हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी गाइस बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर इसका प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। वेयर इज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अक्टूबर मंथ की जो है प्लेलिस्ट ऐड की हुई है, वहां पे जाके भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम इसकी पीडीएफ शेयर करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट हैज अचीव द टारगेट फॉर 2022 क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू फॉर जल जीवन मिशन विद 69.57 लाख हाउस होल्ड प्रोवाइडेड विद अ टैप कनेक्शन टिल अक्टूबर 2022। तो ये टारगेट अचीव किया है तमिलनाडु ने, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिलनाडु। और जल जीवन मिशन जो है आपका, ये कब लॉन्च किया गया था, 2019 में इसे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे पीएम मोदी हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। और इसका मेन एम क्या है, दैट इज कि जो रूरल हाउस होल्ड है हमारे, उनको पोर्टेबल वाटर जो है हमारा टैप वाटर, उसे पहुंचाना है टिल 2024, ठीक है। एंड अगर हम तमिलनाडु के जो गोल की बात करें, उनका टारगेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 2023 तक, इनका टारगेट है 28.48 लाख टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करना इन द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2022 वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14th अक्टूबर को। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसकी थीम थी शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन अक्टूबर रवि कुमार एस रिजाइन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इन्फोसिस बेस इन न्यूयॉर्क यूएसए। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इन्फोसिस इन डैश। सो 2016 में इन्हें जो है अपॉइंट किया गया था, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इन्फोसिस। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एंड इससे पहले ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, कहाँ पे, भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट लॉन्च अ न्यू स्कीम हिमशेड टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिम से आप इसे याद कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे ये फैसिलिटी जो स्कीम है ये क्यों लॉन्च की गई है, ये इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, या वाटर कंजर्वेशन किस टाइप से करना है वो करने के लिए यहाँ पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। बिकॉज 80% जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो आपका रेन पे डिपेंड करता है, ठीक है, बारिश पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द सिटी इन विच फर्स्ट सिमकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर इन अक्टूबर। सो करेक्ट आंसर है ये आपका था गांधीनगर गुजरात में जो है इसे लॉन्च किया गया है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और साथ में ही यहाँ पे जो है जो यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था इसरो का टेस्टेड एंड क्वालिफाइड नेव आईसी रिसीवर चिपसेट, ठीक है, नेव आईसी रिसीवर चिपसेट। अब नेव की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड साइन एन एमओयू ऑफ 5,400 करोड़ विद स्टेट्स विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड टू सेटअप 1190 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन इन दी स्टेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर, दैट इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान की गवर्नमेंट ने, राजस्थान की जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उन्होंने ये एमओयू साइन किया है टू सेटअप दी सोलर पावर प्लांट इन दी स्टेट, और कहाँ पे ये लगाया जाएगा, इन दी बीकानेर, ठीक है। एंड जो आपके कोल इंडिया लिमिटेड के आपके जो सीईओ हैं, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था मेगा जियो माइनिंग फेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, खनन 22, ठीक है। कब किया था उन्होंने, नवंबर में, 3 नवंबर को इसे इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट लॉन्च द एमओयू विद द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू इनेबल फाइनेंशियल एक्सेस फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप ने एमओयू साइन किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, किस चीज के लिए, एक्सेस, फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे जो नोट करने वाली है, जो ये स्कीम थी आपकी, ये कब लॉन्च की गई थी, जो मिशन है एनआरएलएम मिशन आपका जो है 2011 में इसे लॉन्च किया गया था, इसका नाम उस टाइम था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। 2015 में इसका नाम चेंज हुआ है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। और इसका मेन एम क्या था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें जो के गरीब लोग होते हैं उनकी जो इनकम है,
ठीक है, जो फाइनेंशियल इनकम जो उनकी है वो इंक्रीज की जा सके, कि कैसे उसको हम बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली साइन एन एमओयू विद द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर कॉर्पोरेशन इन अ इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर हाईवेज कंस्ट्रक्शन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका आईआईटी पटना। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एमओयू आईआईटी पटना और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हुआ है, जो अंडर आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट रीलॉन्च इट्स सुरक्षा फिक्स डिपॉजिट स्कीम अ 3 ईयर एफडी स्कीम टू ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट। सो इसे लॉन्च किया है आपका डीसीबी बैंक ने। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये 3 साल के जो इस पे 3 साल की एफडी पे क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं, 7.84% का। ठीक है, इनिशियली ये 7.10% का देंगे, फिर इसे इंक्रीज करके 7.84 कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अक्टूबर एन इथियोपियन डेलीगेशन लेड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर मेलिस मैकोनेन येमेर विजिटेड विच स्टेट टू स्टडी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऋतु भरोसा केंद्र। ठीक है, तो ये ऋतु भरोसा केंद्र कहाँ है आपके, तो ये है आपके सिचुएटेड आंध्र प्रदेश में। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और जो ये आपके ऋतु भरोसा केंद्र हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो आपके सीड्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स या फर्टिलाइजर या एनिमल फीड, ये सब प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, और फार्मर्स इवन यहाँ से जो फार्मिंग के लिए इक्विपमेंट यूज होते हैं वो भी यहाँ से हायर कर सकते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है आपके, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और इन्होंने रिसेंटली जो है एक वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की थी, और एक स्कीम भी लॉन्च की थी, शादी तोहफा स्कीम और वाईएसआर। ठीक है, वाईएसआर कल्याण मस्तु, वाईएसआर कल्याण मस्तु, ये वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी वॉज ऑनर्ड एज अ ग्रैंड विनर ऑफ अ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। सो ये अवार्ड दिया गया है हैदराबाद, हैदराबाद को, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हैदराबाद को एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंडर दी लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव कैटेगरी ग्रोथ के तहत इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो AIPH का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, ये आपका है ऑक्सफोर्ड श्री यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, एंड इसके आपके सेक्रेटरी जनरल है टिम बैरियर क्लिफ। ठीक है, टिम बैरियर क्लिफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट विड्रू द क्राइटेरिया दैट रिक्वायर्ड लिस्टेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू बूस्ट देयर शेयर प्राइस ओवर दी बीएसई सेक्टोरल इंडेक्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे विड्रॉ कर दिया है क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अक्टूबर हाउ मेनी बैंक साइन एन एमओयू विद द इंडियन आर्मी फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट अंडर द अग्निपथ स्कीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 11 बैंक्स ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है रिगार्डिंग द अग्निपथ स्कीम। कौन कौन से बैंक्स हैं ये, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड बंधन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो बंधन बैंक ने इन्हें जो है अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एंड रिसेंटली सौरव गांगुली न्यूज में थे, बिकॉज अभी अभी जो है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं, रॉजर बेनी। ठीक है, रॉजर बेनी इनका नाम है, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया, सौरव गांगुली को। ठीक है, बंधन बैंक का आपका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, ये है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, एंड इसके सीईओ कौन है, चंद्रशेखर घोष। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईएनएस लॉन्च सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। सो करेक्ट आंसर यहां पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आईएनएस अरिहंत। इसका नाम क्या है, आईएनएस अरिहंत, और इसी के साथ इंडिया जो है सिक्स्थ कंट्री बन जाता है वर्ल्ड में जिसके पास जो ऐसी सबमरीन है जो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें इक्विप्टेड है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, और इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च दी मां भारती के सपूत वेबसाइट फॉर फंडिंग इन आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड
2021-2022 डैश इज गुडविल एम्बेसडर ऑफ द वेबसाइट. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन जो है इसके गुडविल एम्बेसडर हैं. और इस वेबसाइट को जो आपका वेलफेयर फंड है जो इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और इसका नाम था आर्मी बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड. ठीक है, क्या था? आर्मी बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड. ठीक है, और अभी क्या है ये? आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज फंड. ठीक है, तो थोड़ा सा ही अंतर है. और 2020 में, ठीक है, इसका रीनेम कब किया गया था? 2020 में इसको रीनेम किया गया था. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 36th नेशनल गेम्स हेल्ड इन अक्टूबर 2022. पहला आपका ऑप्शन है, द 36th नेशनल गेम्स फॉर हेल्ड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम विद अ मैस्कॉट सावज. नेक्स्ट इज, पूजा पटेल ऑफ गुजरात हैज बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू विन अ गोल्ड इन योगासना इन द ट्रेडिशनल कैटेगरी. थर्ड इज, महाराष्ट्र बैग द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बेस्ट स्टेट ट्रॉफी फॉर फिनिशिंग सेकेंड इन द मेडल टैली विद द मोस्ट मेडल्स अमंग्स द स्टेट एंड यूटीज. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? और लास्ट टू ऑप्शन हैं बोथ ए एंड बी, ऑल ए बी एंड सी. सो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ए बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो सारे जो ए बी सी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे ही करेक्ट हैं. अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. इसका जो प्रीवियस वर्जन था, ठीक है, प्रीवियस एडिशन था, दैट इज 35th एडिशन, ये आपका कहाँ पे हुआ था? सो ये हुआ था केरला में, ठीक है, 2015 में हेल्ड हुआ था. और नेक्स्ट जो होगा 2023 में होगा, कहाँ पे होगा? गोवा में. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन. तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 15th ऑफ अक्टूबर को. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. एंड इसकी थीम थी रूरल वुमेन कन्फ्रंट द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 15th अक्टूबर विद विच मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. सो ये 15th अक्टूबर को जो है एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी एपीजे अब्दुल कलाम जी की. सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. और 2015 में जो व्हीलर्स आइलैंड था, ठीक है, उसका नाम क्या कर दिया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो उड़ीसा में सिचुएटेड है. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर इंडियन आर्मी इंस्टीट्यूटेड अ चेयर ऑफ एक्सीलेंस एट दी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इन मेमोरी ऑफ होम. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका लेफ्टिनेंट जनरल पी एस भगत. ठीक है, इनके नाम पे जो है इंस्टीट्यूट किया गया है चेयर ऑफ एक्सीलेंस. ठीक है, और जो पी एस भागवत थे, ठीक है, पी एस भागवत जो थे वो फर्स्ट इंडियन ऑफिसर थे जिन्हें कोविड विक्टोरिया क्रॉस मिला था ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड. एंड ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे नॉर्दर्न कमांड के. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 15th अक्टूबर 2022. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसकी थीम क्या थी? यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. सो रिसेंटली इसे जो है लॉन्च किया था नागालैंड गवर्नमेंट ने इन कोलैबोरेशन इन पार्टनरशिप विद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ. और 2021 में जो नागालैंड ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विजन अपना रखा था, क्या रखा था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विजन 2030, जिसके तहत इनका एम क्या है कि 2030 तक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे अपने स्टेट के लोगों को. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, रिसेंटली इन अक्टूबर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइड रैक इन विच स्टेट. तो इसे जो है लॉन्च किया गया है उड़ीसा में. सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. और जो हमारे मिनिस्टर हैं इन्होंने बताया है कि ये हेल्प करेगा 14,000 ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम 14,500 टन ऑफ कार्बन एमिशन जो है वो इससे रिड्यूस हो जाएगा. प्लस ये 100% जो है रिसाइकलेबल है. ठीक है, तो ये इससे बेसिकली इंडिया को जो है हमारा गोल है कि हमें पॉल्यूशन फ्री करना है, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है, उसमें काफी हेल्प मिलेगी. ठीक है, और इसे बनाया किसने है? तो इसे बनाया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, हेंडेक्लो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एंड वेस्को वेगन ने. ठीक है, इन तीनों के कोलाबोरेशन से इसे डेवलप किया गया है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. आपका पहला ऑप्शन है, द रिपोर्ट फोकसेस ऑन अ वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर. नेक्स्ट इज, आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंस द हाईएस्ट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड ग्रॉस वैल्यू आउटपुट दैट इज जीवीओ. नेक्स्ट आपका ऑप्शन है,
दिल्ली एंड दादर एंड नगर हवेली वर द ओनली रीजन वेयर आउटपुट वैल्यू फेल ओवर द 9 ईयर्स रिव्यू पीरियड. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सारे ही स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. और यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनका जिनका जीवीओ टॉप 5 स्टेट जीवीओ में आते हैं ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में. सो पहला है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, देन तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ठीक है, एंड लास्ट इज योर तमिलनाडु. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीएम मोदी डेडिकेटेड हाउ मेनी डिजिटल यूनिट्स अक्रॉस द इंडिया इन अक्टूबर. सो पीएम मोदी ने जो है लॉन्च किए हैं 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, कहाँ पे लॉन्च किए हैं, इंडिया में इन 75 डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, और रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया है SBUs, जो ज्वाइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, आरबीआई का एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विद द नेशनल फॉरेंसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट टू सेटअप द टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर डायट्री सप्लीमेंट्स एट NFSU अहमदाबाद गुजरात. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये एमओयू साइन किया है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड नेक्स्ट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इस तरह की जो फैसिलिटी है वो इंडिया में सेटअप की जा रही है. एंड इस एमओयू से जो है बेनिफिट मिलने वाला है एथलीट्स को, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो एथलीट्स होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की, और वो कुछ ऐसे सब्सटेंस ले लेते हैं जिसकी वजह से डोपिंग टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन एमओयू विद द लॉकहीड मार्टिन कैनेडा CDL सिस्टम टू कोलैबोरेट ऑन ड्रोन्स. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड. और रिसेंटली हमने पढ़ा था जो गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने रिसेंटली किसान ड्रोन जो है वो लॉन्च किया था, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, धोनी. और इन्होंने एक और जो है ड्रोन लॉन्च किया था जिसका नाम है ड्रोन. ठीक है, और अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी ने साल के शुरुआत में फरवरी मंथ के आसपास जो है 100 गरुड़ा ड्रोन जो है वो लॉन्च किए थे अक्रॉस द लोकेशन. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड अ सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी नेमली परम कर कम रूपा एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट. सो कौन से इंस्टीट्यूट में जो है इसे लॉन्च किया गया है. सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, IIT गुवाहाटी में इसे लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. और साथ ही साथ में इन्होंने एक लेबोरेटरी भी जो है वो इनॉग्रेट की है, उसका नाम है समीर, दैट इज सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द 15th ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 इंडिया रैंक्ड डैश आउट ऑफ 121 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 29.1. सो करेक्ट आंसर यहां पे है, इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज, वेयर एज अगर 2021 की बात करें तो इंडिया की रैंक 101 थी. ठीक है, 116 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और 2020 की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे था 94th रैंक. इंडिया की कितनी रैंक थी, 94th रैंक. ठीक है, और ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है आपका कंसर्न वाइल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइक जस्ट सेकंड या ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आयरलैंड एंड जर्मनी की. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड अर्नेस्ट एंड यंग टाइटल विजन डेवलप इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ MNCs इंडियाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रीच अप टू डैश बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स. सो इंडिया के जो FDI है दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये कितनी बढ़ जाएगी नेक्स्ट 5 ईयर्स में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, 475 बिलियन US डॉलर जो है इंक्रीज हो जाएगी FDI इंडिया की नेक्स्ट 5 ईयर्स में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक अपॉइंटेड दीपेंद्र सिंह राठौर एज अ इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने जो है अपॉइंट किया है दीपेंद्र सिंह को एज अ इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. और रिसेंटली विजय शंकर शर्मा जो है रीअपॉइंट हुए थे चेयरमैन पेटीएम के, राइट. एंड 2017 में जो है पेटीएम को स्टैब्लिश किया गया था. कभी कभी स्टैब्लिशमेंट ईयर भी आपको पूछ लिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी लॉन्च डैश फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, कौन सी
कौन सा ये व्हीकल था? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टोयोटा का ये व्हीकल था, ठीक है। एंड इसमें जो है ये 100% एथेनॉल से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 8th एडिशन ऑफ विमेन्स एशिया कप फॉर द 7th टाइम बाय डिफीटिंग श्रीलंका। सो ये जो आपका एशिया कप है ये किसने जीता था? ये इंडिया ने जीता था, और डिफीट किसे किया है? श्रीलंका को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, डैश पीपल इन इंडिया हैव बीन एबल टू लिबरेट फ्रॉम पॉवर्टी ओवर 15 ईयर पीरियड बिटवीन 2005, 2006 एंड 2019, 2021। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? 415 मिलियन पीपल, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? सो आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ अ सन्स इरप्शंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है चाइना ने, और इसका नाम क्या है? एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, और इसे काफू वन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2023 एशियन कप द क्वाड्रिनियल इंटरनेशनल मेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप ऑफ एशिया फॉर द थर्ड टाइम। सो कौन सी कंट्री इसे थर्ड टाइम जो है वो होस्ट कर रही है? तो आंसर आपका हो जाएगा कतार, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, और इस बार ये जो है लॉन्च करे होस्ट करेगी 18th एडिशन, ठीक है। कौन सा एडिशन होगा ये? 18th एडिशन, और सबसे पहले कतार ने इसे होस्ट किया था 1988 में, ठीक है। सेकेंड टाइम इसे होस्ट किया गया था 2011 में, ठीक है। तो अब थर्ड टाइम 2023 में इसे कौन लॉन्च होस्ट करेगा? अगेन कतार इसे लॉन्च करेगा, ठीक है, होस्ट करेगा। एंड अगर हम 2027 की बात करें तो 2027 का जो एशियन कप होगा उसे इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है होस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 16 अक्टूबर, ठीक है, जो 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम है आपकी लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? लीव नो वन बिहाइंड। और सबसे पहला जो आपका वर्ल्ड फूड डे था वो कब सेलिब्रेट किया गया था? 1981 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टारगेट जी विद अ स्काई फाइंडिंग ऑफ हाफ ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। सो इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने कोलाबोरेशन में इसे रिलीज किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर HCL टेक्नोलॉजीज अनवील इट्स न्यू ब्रांड, इट्स आइडेंटिटी एंड लोगो। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HCL? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इनका नाम है सी विजय कुमार, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी विजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड अ न्यू रिजर्व फॉर द टाइगर्स ऑफ पाना टाइगर रिजर्व नेम्ड दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कौन से स्टेट की वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसे अप्रूव किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड रिसेंटली जो आप नाव्या से जो है चीताज लाए थे, ठीक है, वो कहाँ पे रिलीज किए गए थे? तो वो रिलीज किए गए थे कुनो नेशनल पार्क में, जो आपका मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। एंड मध्य प्रदेश में क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, उसका नाम क्या है? इंदौर, ठीक है। एंड सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, किसके? मध्य प्रदेश के, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पीडीएफ के लिए, और ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे हम। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।